वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज अभी हम बैटरी रिपेयर कर रहे हैं यहाँ वर्कशॉप में, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी बैटरी रिपेयर होती है और ट्रेनिंग देते हैं हम, रिपेयरिंग सिखाते भी हैं। आप अगर सीखना चाहते हैं मेरे पास तो बैटरी रिपेयरिंग के लिए पूरी तरह से आ सकते हैं। 3 से 5 दिन का क्लास है, 1 महीने का नहीं है, 3 से 5 दिन। आप कहेंगे मैं 5 दिन में सीखूंगा कैसे, अगर आपको लगता है कि 5 दिन में नहीं सीख पाएंगे तो 25 दिन रहिए या 2 मंथ रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आने और पूरी तरह से रिपेयरिंग आपको क्लियर हो जाना, ये 2 से 3 से 5 दिन में हो जाता है। 3 से 5 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो समझदार होते हैं ना उसको 3 दिन ही ज्यादा है, और जो बिल्कुल ही अनट्रेन्ड है ना उसके लिए 5 दिन लगता है। और जिसको प्रैक्टिस की जरूरत है कि मुझे लगातार प्रैक्टिस करना है दिन भर, तो आप मेरे पास जितने मर्जी दिन रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास डेली रिपेयरिंग के लिए आता है और उसे रिपेयर करने के लिए मुझे खुद लड़कों की जरूरत रहती है, और जो करते हैं दिन भर साथ में वो थक जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई नए नए लड़के आते हैं जो छोटा मोटा काम उनसे कराते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे दिन हमारे पास आइए सीखिए। दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने अपना इंस्टीट्यूट है और ऑफिस है। तो चलिए वर्कशॉप में क्या क्या रिपेयर करते हैं, वो कैसे रिपेयर हो रहा है वो हम दिखाते हैं आपको। हमारे पास सभी तरह के बैटरी रिपेयर होती है। मैं आपको बता दूं, जिसमें कैन कम्युनिकेशन वाली जो सिस्टम होती है, मतलब दोनों मोटर कंट्रोलर और बैटरी दोनों एक साथ एक्सेप्ट करके जोड़ते हैं तब जाके चार्जर लेता है चार्जिंग, तो वो कंडीशन वाले भी बैटरी रिपेयर करते हैं। मतलब जो डायरेक्ट जो कम दाम वाली होती है, सिर्फ 2 तार निकलती है, उस बैटरी को चार्ज करना आसान होता है। जिसमें 6 तार या 4 तार वाली जो निकलती है, उसको चार्ज करने के लिए चार्जर और बैटरी दोनों एक साथ कनेक्ट एक्सेप्ट करना होता है, कम्युनिकेशन सेट होना होता है, तब जाके चार्ज होता है, उस बैटरी को भी रिपेयर करते हैं। आप मेरे पास देख सकते हैं रिपेयरिंग करने के लिए, हमारे पास रिपेयरिंग के लिए पूरे इंडिया से आता है, चाहे जो सा मर्जी रिपेयरिंग हो, ओकिनावा का हो, हीरो इलेक्ट्रिक का हो, और भी कई तरह से कंपनी है जिनका नाम तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी रिपेयरिंग के लिए आता है। जो जो बैटरी कंपनी ने 3-3 साल 2-2 साल की गारंटी दिया और 1 साल में छोड़ दिया, उसके बाद वो सारी बैटरी जो है इधर उधर भटक रहा है, वो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आता है। आप सीखिए, बैटरी का बहुत ज्यादा काम अभी आने वाला है। जो कंट्रोलर जितने भी लोग सीखे हैं ना, अगर मोटर किसी ने सीखे हैं तो इसके बाद इसको बैटरी सीखना बहुत जरूरी होगा, कंट्रोलर से ज्यादा। क्यों? कंट्रोलर 1200 से 2000 की मिल जाता है, आप चाहेंगे तो नहीं भी रिपेयर करेंगे, आप दूसरा कंट्रोलर लगा देंगे, लेकिन चार्जर बैटरी आपको इतने सस्ते नहीं होंगे। अभी बैटरी 25,000, 30,000, 40,000, 60,000 इस तरह से बाइक की बैटरी है, रिक्शे की तो और महंगी है। तो इतनी महंगी महंगी बैटरी को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, इसे रिपेयर कराना पड़ता है, इसलिए रिपेयरिंग हम सिखाते हैं। और रिपेयरिंग सक्सेसफुल जो है, ऐसा नहीं कि बैटरी रिपेयर कर रहे हैं तो वो चलता नहीं सही, वो उसके पास से नहीं चलता है, जो रिपेयर करते नहीं है अधूरा करके देखते हैं, बोल देते हैं कि पूरी तरह से रिपेयर मैंने कर दिया हूँ। जैसे आपको मैंने बैटरी दिया आपने और मैंने बैलेंसिंग कर दिया, आपने बोले भैया 2-2 घंटे में दे दो, हमने बोले नहीं भैया 5 घंटे में दे देंगे, वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं किया, बैलेंसिंग किया, वो भी बैलेंसिंग करने में जो ज्यादा डिपेंड रहेगा तो 8 से 10 घंटा लगता है, वो 4 घंटे में आपको दे दिया, तो बैटरी थोड़ा रिपेयर किया, कुछ भी नहीं किया, बस पैसा ठग लिया। हम जो रिपेयरिंग करते हैं 2 से 3 दिन लगते हैं, मतलब आज आपने बैटरी दी सुबह में तो शाम तक उसे हम काम करना शुरू करेंगे, तो कल शाम तक वो पता चलेगा मुझे क्या फर्क था, इतना देर लगेगा पता करने में। आप कैसे कर देंगे कि 2-4 घंटे में हो जाएगा, जैसे बैटरी को हम चार्ज करते हैं 3-4 घंटे लगेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे 4-5 घंटा लगेगा, क्योंकि डिस्चार्जर के ऊपर निर्भर है कि अगर 30 एम्पीयर की बैटरी है आपकी और मेरे पास डिस्चार्जर 10 एम्पीयर की है तो 3 घंटे लगने लगेंगे, तो 3 से 4 घंटे मान के लग चलो कि मैं 6 एम्पीयर से करता हूँ, 7 एम्पीयर से करता हूँ। उसके बाद बैलेंसिंग करना होता है, बिना बैलेंसिंग के आप डिस्चार्ज करने से फायदा है नहीं, तो बैलेंसिंग पहले होता है, वो 4-5 घंटे लगते हैं, टोटल मिला के 8-10 घंटा लगते हैं। 8 घंटा की ड्यूटी करते हैं हम लोग दुकान पे, तो आप ये 1 दिन में तो हो गए, तो 2 दिन में होता है ना, तो 2 दिन में होने के बाद मुझे पता चलता है कि क्या खराब था, उसे फिर निकाल लेंगे, चेंज करेंगे, फिर लगाने के बाद फिर से बैलेंस करेंगे, फिर से चार्ज करेंगे, फिर से डिस्चार्ज करेंगे, तब जाके मुझे कन्फर्म होगा कि अब बैटरी ठीक है या और भी खराबी है। इतना करने के बाद अगर कोई गलती नहीं निकली तब बैटरी ओके है,
तो इसका टाइम आप खुद निकाल लेंगे कि मुझे बैटरी ठीक करने के लिए जब देंगे तो कितना टाइम लगेगा। कम से कम 3 से 4 दिन तो लगती लगती है अगर अच्छी तरह से रिपेयर हो जाए, और मैं जल्दी जल्दी से करना शुरू किया हूँ तो, है ना। तो चलिए वर्कशॉप में देखते हैं कौन कौन सी बैटरी कितनी देर से लगी हुई है और कितने दिन से लगी हुई है ना। चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास क्या क्या, देखो बाहर से रिपेयरिंग आता है, देखो ये है अभी बाहर से रिपेयरिंग आया है, इसे खोल रहा है, ये देखो ये सिंग ऑटो, ये नंबर है, इनके पास से रिपेयरिंग आया है। इस तरह से ये पैकिंग देखो पैकिंग होकर जा रहा है, रिपेयरिंग होकर जा रहा है ना। ये अभी इसका पता नहीं किसका है जिसका मोटर रिपेयरिंग हो रहा है। अभी देखो ये मोटर का जो एक कॉइल है ना, ये देखो ये कॉइल, इसमें रिपेयरिंग हमने किया है, इसको पैकिंग करके जाना है, है ना। इस तरह से मोटर वाइंडिंग करके पैकिंग करके देते हैं, है ना। और ये मोटर रिपेयर होना बाकी है अभी। और चलिए हम इधर देखते हैं, सर पूरा काटना है ना, साइड से काट दो रबर, ये साइड से काटना है, पूरा काट दो। ये अभी देखो रिपेयरिंग करने के लिए दिया मुझे बाहर से, और इसने इसके वायरिंग नहीं दिए। अब इसे जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में इसको जोड़ना है, तो अभी इसमें कटिंग करके इसको रिपेयर करके देना होगा। मैंने उनसे बात कर चुका हूँ, उन्होंने बोला कटिंग करके दे दो, कटिंग करो इसको, कटिंग करके बोला। इधर कंट्रोलर भी रिपेयर हो रहा है ना, इस तरह से रिपेयर। हाँ बोलो, हाँ कटिंग कर दो, ठीक है, एक एक करके तो टेप लगा करना, बाकी इसी तरह से रिपेयरिंग हम करते हैं। यहाँ देखो ये मोटर, देखो इधर ये मोटर इस तरह से खुल के रिपेयर होते रहती है। कॉयल है, उनको किनावा की है, ये चार्जर है ना, इस तरह से रिपेयरिंग हमारे पास आता है, जो रिपेयरिंग करते हैं। चलिए बैटरी दिखाते हैं, देखिए ये मोट बैटरी रिपेयर कर रहा है ना। ये अभी बाबू ये किसका है, खोल दिया। अच्छा, यही बोल रहा था ना जो गर्म हो रही थी। हाँ हाँ, ये बैटरी जो है रिपेयर करने के लिए आया है, इसे हम देखेंगे क्या क्या फॉल्ट है, क्योंकि जो बैटरी देने वाला था इसने बिल्कुल ही गरम गरम ला के, अभी भी इसमें हाथ से छूता हूँ तो गरम लगता है। तो अभी हम इसे चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट है इसका। देखो लास्ट का नंबर, कोड नंबर मैं लिख रखा हूँ, जिनकी बैटरी है उनका वो फ़ोन नंबर है, इसको निकालो। BMS इन्होंने चेक कर चुके हैं, जो अभी रिपेयर करते हैं डेली वो रिपेयर करके बता दिए कि इसमें BMS ख़राब है। अभी हमने चेक नहीं किया, इन्होंने चेक किया है, और तो इसे हम जो है खोल के देखते हैं। बेटा उसको देखो कौन सी कंपनी की है, आई पावर की है ये बैटरी, आई पावर की है ना, आई पावर 15/12/2022 की बैटरी है, 15/12/2022 की है। इन्हें उधर इधर 19-25 क्या लिखा है, इसका कोड नंबर होगा। तो हम जो है ये है 22/9/2022, अलग अलग डेट सब में लिखा हुआ है। BMS शायद कोई एक बार रिपेयरिंग किया हो। तो अब मैं इसे चेक करूंगा कि ये बैटरी जो है किस फॉल्ट में लिया है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो चेक कर रहा हूं ना, ये सिर्फ काम चलाओ है, ये होता है अंदाज़ा मिल जाता है कि ये बैटरी कितने सेल ख़राब है। लेकिन परफेक्ट जब होता है जब हम उसे पूरी तरह से डिस्चार्ज में लगा कर देखते हैं। अभी देखो अभी सभी बैटरी एक समान आ रहा है, एक दो पॉइंट का कम ज़्यादा दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे ये सब सेल सही है, आपको लग रहा होगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे अंदाज़ा मिल रहा है कि ये सब सही लग रहा है, लेकिन इसमें से कोई ना कोई सेल ख़राब हो सकता है। जैसे ये थोड़ा सा डाउन आया, तो ये ज़रूरी नहीं कि डाउन ही है, यहाँ बैलेंसिंग की बात अभी आती है। बैलेंसिंग करने के बाद जब डिस्चार्जर में लगाते हैं तो जब पता चलता है कि जो बैटरी हम चेक कर रहे थे ख़राब बता रहे थे वो बैटरी ख़राब नहीं है, जो सेल बता रहे थे ख़राब है वो सेल ख़राब नहीं है, दूसरी सेल ख़राब है, तो ये जाके जब पता चलता है कि ख़राब है। लेकिन देखो अब यहाँ पे इधर देखो, अभी आपको जो भी वोल्टेज देखे सभी के वोल्टेज एक समान था, एक दो का एक 123.29 आया था, उसकी बैटरी उसकी सेल मुझे डाउन सा लगा। लेकिन आप कहेंगे एक ही प्रोडक्ट खराब है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं
329 का जो वोल्टेज आई थी उस पर हम अगर अपना अलग से बैटरी लगा दें उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे तो पता चलेगा कि और हो सकता है बैलेंसिंग में बिगड़ गया हो सकता है वो भी ख़राब है, कोई और भी ख़राब है। तो मतलब कन्फर्म जब होते हैं जब हम इसको चार्ज करके बैलेंस करके चार्ज करके तब डिस्चार्ज करते हैं, उसमें फिर बैकअप निकालने का तरीका लगाते हैं तब जाके पता चलता है। ऐसे आप डिस्चार्ज करेंगे तो आपको ओके दिखाएगा, लेकिन जब गाड़ी में बैठेंगे तो पता चले चल ही नहीं रहा है। जैसे मोटर होती है, मोटर रिपेयर करते हैं, मोटर रिपेयर करने के बाद जब लगाते हैं तो चलते हैं कि गाड़ी में बैठने के बाद चलती ही नहीं है। इस तरह से बैटरी में भी होती है। तो अभी हमारे पास ये बैटरी रिपेयर करेंगे, इसको आप सीखने के लिए आ सकते हैं। हमारे पास और कौन कौन सी बैटरी है इसमें क्या हुआ, तो ये देखो ओकाया की बैटरी है, ओकाया की, इसकी बीएमएस खराब, बीएमएस कहाँ है, बीएमएस कहाँ है, बीएमएस देना होगा। ये देखो ये बीएमएस है, इसका दो दो बीएमएस है क्योंकि इसकी एक बैटरी और ये एक आया कि एक ये बैटरी है। इसको हमने बैलेंसिंग वैलेंसिंग करके ओके कर चुके हैं। ये भी खराब थे और ये भी खराब थे, दोनों में सेल भी खराब थी, इस वाले में सेल भी खराब, सेल भी खराब थे, सेल चेंज हमने कर चुके हैं, ओके कर चुके हैं। और अभी ये किसी में चार्जिंग हो चुका, चार्जिंग हो गया, अभी डिस्चार्जिंग में जाएगा। अब बताओ ये है 40 एम्पीयर की बैटरी, 30 एम्पीयर की बैटरी है और 30 एम्पीयर को डिस्चार्ज करने में कम से कम 5 घंटा 6 घंटा लगेगा एक बैटरी। और ये दो बैटरी है, एक ये है एक इधर भी है और दोनों एक आदमी का है, तो मुझे कितने दिन लगेंगे, कम से कम एक दिन डिस्चार्ज करने में लगेंगे। अब जब उसके बाद मुझे पता चला कि कोई एक सेल में दिक्कत अभी भी है तब क्या होगा, तो ये आपको टाइम लगता है। ये अभी 4 दिन से ऐसे चल रहा है, सेल चेंज हुआ, बीएमएस चेंज हुआ, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, एक कम्प्लीट है एक अभी बाकी है। ठीक उसी तरह से ये देखो ये किस कंपनी है, ये है क्यूसी ओके, क्या निकाल है, रुचिर जो भी है। एक मिनट फोन पे बात करो, हेलो हेलो, हाँ जी सर जी, मैं मेट्रो गेट क्या लेना है, क्या करना है, आप ना एक नंबर गेट पे आके ना सामने देखो अमेरिकन टूरिस्ट की दुकान है ना वहाँ पे, हाँ एक नंबर गेट पे अमेरिकन टूरिस्ट की दुकान है, उसके बगल में 3 सेट है, वहाँ पे सारी बाइक खड़ी है। बाइक के बगल में जो बिल्डिंग है ना उसमें टैटू वाला राधे राधे लिखा हुआ बिल्डिंग के ऊपर, उसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे आना है, ठीक है। हाँ एक नंबर गेट की तरफ, मेरे बिल्डिंग के सामने ना नीम का पेड़ भी है, नीम के पेड़ के पास आओ। अच्छा। तो अभी आपने देखे कि ये बैटरी जो है ये अभी हमने बैलेंसिंग में लगा रखे हैं, बैलेंसिंग सेल चेंज हुआ, बैलेंसिंग हुआ, अब ये उसके बाद चेक हुआ। ये 75 एम्पीयर की बैटरी है, रिक्शे की है, 75 एम्पीयर की रिक्शे की है और ये इस कंपनी के कहाँ है, इसके और जो पैकेट का है डब्बे अल्मोनियम की है। ये है, इसकी है, इसकी है। ये वाली है एक्जुकॉम की है सेल, अभी से हम रिपेयर कर रहे हैं अपने तरीके से कर रहे हैं, जो इसमें लगा हुआ था ना उसकी सेटिंग अलग होती है, अब जो हम रिपेयर करेंगे उसकी सेटिंग अलग होगी, लेकिन बाद में फिर उसी कंडीशन में डाल देंगे जो पहले से बन के आया था, नहीं तो फिर वो उसकी गाड़ी में चलाने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम ऐसा करके देते हैं ताकि रिपेयर भले ही किसी कंडीशन में करें लेकिन आपके पास जो गाड़ी लगेगी सेम कंडीशन में रहेगा, ऐसा करके देते हैं। ये बैटरी किस कंपनी की थी, तो कोमाकी की है, ये कोमाकी की बैटरी है, ये अभी हम रिपेयर कर रहे हैं और ये रिपेयर होने के बाद अभी बैलेंसिंग लगेगा क्योंकि अभी बैलेंसर खाली नहीं है। ये वाली इसके, ये तो हीरो की है, हीरो इलेक्ट्रिक की है, ये रिपेयर हो चुकी है, देखो यहाँ ओके लिख चुके हैं, बस इसमें पैक करना बाकी है ना। और ये सारी जो जितने भी बैटरी बनाते हैं ना हम चलाकर चेक करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी बन के गई है और लोड देने पे लोड नहीं दे रहा है, तो इस पे रख के 1 सेकंड के लिए लोड देकर देखते हैं, अगर बैकअप में कोई वोल्टेज डाउन नहीं हो रही है तब हम मानते हैं कि बैटरी ओके है। और इसी कंडीशन में मोटर भी चेक करते हैं, है ना। तो हमारे पास आइए सीखने के लिए, दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने अपने पास इतना इंस्टीट्यूट है और यहीं पे ट्रेनिंग भी देते हैं और सिखाते भी हैं। आप यहाँ पे बैटरी भी रिपेयर करा सकते हैं, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, LED, TV, इन्वर्टर, एकदम बैटरी, ये सारे कोर्स कराते हैं और आप सीख भी सकते हैं और
अगर इसके पुराने पुराने कंपोनेंट सही है या नए नए कंपोनेंट सही है, जैसे आईसी है, मॉस्फेट है, ट्रांजिस्टर है, सेल है, निकल्स है, होल्डर है, ये सब हम बेचते हैं ऑनलाइन। हमारा जो शुरू का नंबर चल रहा है 9891928513, इस पर आपको व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कोई भी कंपोनेंट खरीदने के लिए व्हाट्सएप में डालें, फोटो डालें, ताकि वो बता देंगे मैडम जो बैठी हुई है उन पर, वो बता देंगे कि कितने रेट का है, मेरे पास कितने हैं या नहीं है, सब बताएंगे। वो व्हाट्सएप नंबर है, बाकी कॉल करके पूछ सकते हैं कोर्स के लिए, उसके नंबर अलग हैं जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम रखेंगे, जब भी करेंगे अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो आप मिस कॉल करके छोड़ दीजिए, हम दोबारा कॉल जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।